मेरे काम का जो बेस है वो है भावनाएं। तो भावनाएं ये ऐसी चीज है कि हम उसे देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, लेकिन भावनाओं को हर एक जन महसूस कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे आज फिर से स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ उपस्थित है नीलिशा जो कि मुंबई से हैं। तो नीलिशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नीलिशा जगदीश फड़, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और सभी को इस चीज की मदद होनी चाहिए। तो आज की बात हम यहाँ शुरू करते हैं। आपका जन्म स्थान कहाँ है व आपने कहाँ से पढ़ाई की, इस विषय में आप दर्शकों से साझा कीजिए। व शिक्षकों से आपका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं एक मील का पत्थर कहे जाने वाले होते हैं। तो इस विषय में आप दर्शकों से साझा करेंगे तो दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। मेरा जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ और बचपन से ही मुझे पेंटिंग ड्राइंग का बड़ा शौक था। तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी, ड्राइंग और पेंटिंग। और मेरे बाबा को ये समझ गया कि इस लड़की का जो इंटरेस्ट है वो इन चीजों में है, तो उन्होंने भी मुझे काफी मदद की, सपोर्ट किया, और उसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद मानती हूँ। तो उन्होंने मुझे ऐसे स्कूल में डाला कि जहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर के साथ जो स्टडीज है दोनों को बैलेंस में महत्व दिया जाता था। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ स्टडीज करो और आपको ड्राइंग पेंटिंग करके क्या होगा, ये तो हॉबी है। ये जो एक मेंटेलिटी है भारतीय लोगों की, ये बहुत ही घातक है। और इसके लिए मुझे ऐसे लगता है कि हर एक बच्चे को उसे जो करना है उस चीज के लिए सपोर्ट उनके माँ बाप से मिलना चाहिए। तो वो मुझे मिला, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद मानती हूँ उनका। और बाद में मैंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से 4 साल बैचलर्स कम्प्लीट किया और 2 साल मैंने मास्टर्स कम्प्लीट किया। तो इस जर्नी के दौरान भी मुझे बहुत शिक्षक मिले जिन्होंने मेरे प्रोग्रेस में बहुत उनका बड़ा योगदान है। तो जैसे सेकेंड ईयर बैचलर्स में मुझे प्रकाश सोनावने सर थे, जिन्होंने बहुत डेमोन्स्ट्रेशंस देके उनसे मैं सीखी। बाद में थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर में मुझे श्रावस्ती मोगलान सर थे, जिन्होंने मुझे पोर्ट्रेट के बारे में कुछ अच्छी चीजें बताई। मास्टर्स में फर्स्ट ईयर में मुझे जॉन डगलस सर थे, जिन्होंने मुझे काफी नई चीजें बताई जो आज का जो युग है उसके बारे में मुझे उन्होंने काफी कुछ बताया। और जो डीन है जेजे स्कूल ऑफ आर्ट के, उनका भी बड़ा योगदान रहा है। तो मैं इन सबको काफी मैं धन्यवाद कहती हूँ इन सबसे, और शुक्रिया अदा मानती हूँ कि मुझे इतने अच्छे शिक्षक मुझे जिंदगी में मिले। जी, आप जब भी कोई काम शुरू करती हैं आपके मन में क्या विचार उत्पन्न होते हैं? मेरे काम की जब मैं शुरुआत करती हूँ, जब मेरे सामने एक ब्लैंक कैनवस होता है, तो पहले तो मैं उस स्पेस का थोड़ा सा अंदाज ले लेती हूँ कि मुझे ये स्पेस में जो मेरी फिगर्स होंगी वो किस तरह से कंपोज होंगी। तो वो एक बार मेरा तय होने के बाद मैं फोटोग्राफी करती हूँ मेरे मॉडल्स की, और फिर उनको मैं मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से उनको कंपोज करके फिर मेरे काम की शुरुआत होती है। लेकिन मेरा हर एक काम काफी मुझे मतलब पहले से मालूम होता है कि मेरे पेंटिंग में मुझे क्या करना है। जो इंस्टिंक्टिव पेंटर्स होते हैं, जैसे जो एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, उनको ये नहीं मालूम होता कि वो एंड रिजल्ट उनका पेंटिंग का क्या होता है। वो प्रोसेस के साथ उनका काम बदलते जाता है। लेकिन ये चीज मेरे लिए मेरे पेंटिंग्स में ये मेरे मैं पेंटिंग्स करते वक्त मुझे ये चीज अनुभव नहीं मिलती। मुझे मालूम होता है कि मेरे पेंटिंग में मुझे एग्जैक्टली कैसे क्या करना है, गोल्डन पॉइंट कौन सा होने वाला है, कलर स्कीम क्या होने वाली है, मेरे मॉडल्स जो है वो मेरे सब्जेक्ट के हिसाब से उनकी पोज क्या होने वाली है। तो ये सब चीजें मेरी पहले से ही तय होती है। तो इस प्रकार मैं प्लान करके काम करती हूँ। जी, इस जवाब से मेरे ख्याल से नए स्टूडेंट्स को बहुत मदद मिलेगी। आपके चित्रों में एक्सप्रेशन काफी मायने रखते हैं, उस विषय में आप दर्शकों से कुछ साझा कीजिए। अगर मेरे काम और मेरे काम में के एक्सप्रेशंस के बारे में बात की जाए, तो मेरे काम का जो बेस है वो है भावनाएं। तो भावनाएं ये ऐसी चीज है कि हम उसे देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, लेकिन भावनाओं को हर एक जन महसूस कर सकता है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी
रिलीजन का हो, किसी भी धर्म का हो, वो उन भावनाओं को हर एक प्रत्येक व्यक्ति भावनाओं को महसूस कर सकता है। तो वो भावनाओं को मैं कैसे अपने आर्ट में से दिखाऊं, तो ये चीज दिखाने के लिए जो लड़कियां मैं यूज करती हूँ मेरे मॉडल में, जो औरतें हैं, वो ये चीज दिखाने का माध्यम है। और मैं खुद एक औरत होने के नाते मैं औरतों को एज अ सिंबल लेके ये चीजों को अपने काम में से पेश करती हूँ। तो ये जो एक्सप्रेशन जो है वो कुछ प्लान्ड नहीं है। ये सब चीजें जो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मेरे पेंटिंग्स में से, ये चीजें मेरे जिंदगी में कुछ चीजें मैंने अनुभव की है, वो वही चीजों से निगड़ित ये चीजें हैं। तो वही चीज, वही अनुभवों से जुड़ी हुई ये चीजें मैं पेंटिंग में मेरे पेश करने की कोशिश मेरी होती है। जी, एकेडमिक दौर में न्यूड स्टडी का काफ़ी महत्व है, जैसे कि हम आपके पेंटिंग्स में देखते हैं। क्या ये अपने सिलेबस में होना चाहिए या इसको किस प्रकार आप देखती हैं? न्यूड स्टडी जो ये चीज है, ये इंडिया में एक्चुअली इस चीज को बहुत टैबू करके रखा है। मतलब इस चीज के आजू बाजू इतनी लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स है कि वो जो स्टूडेंट्स जो है कॉलेज के, उन्हें न्यूड मॉडल भी नहीं मिलता आसानी से। तो ये जो चीज है ये नॉर्मलाइज करनी चाहिए थोड़ी। तो न्यूड सीखने का मकसद ये है कि आपकी एनाटॉमी का स्टडी, अब जब सामने आपके मॉडल होता है और वो न्यूड होता है, तो आपको सामने बैठकर जब आप स्केचेस करते हो या उस मॉडल को ऑब्जर्व करते हो, तो आपका जो एनाटॉमिकल स्टडी है वो आपका अच्छी तरह से हो पाता है, क्योंकि वो मॉडल जो है वो 3D है, वो 3D है। आप जब फोटो से काम करते हो तो वो 2D फोटो होता है। तो आपका आपका जो शेडो और लाइट का स्टडी है, ड्राइंग का स्टडी है, बॉडी के प्रपोर्शन का स्टडी है, ये सब चीजें आपकी, ये सब स्टडी आपका अच्छे से नहीं हो पाता। तो इसके वजह से न्यूड स्टडी, ये जो सब्जेक्ट है ये इंट्रोड्यूस किया गया सिलेबस में आर्ट आर्ट कॉलेजेस के। तो न्यूड स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको बेसिक फाउंडेशन आपका आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो हर एक को न्यूड स्टडी करना चाहिए। और जो मॉडल्स है, न्यूड मॉडल्स, ये जो पेशा है न्यूड बैठने का कॉलेजेस में, ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल पेशा है। इसे इसे उसी तरह से देखना चाहिए और उनको भी बहुत सपोर्ट करना चाहिए जो न्यूड मॉडल बैठते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आसान चीज नहीं है। ये सब सबके सामने न्यूड बैठना, स्टूडेंट्स के सामने, हालांकि उनको मालूम है कि स्टूडेंट्स का मकसद उनको न्यूड बिठाने का क्या है, इसलिए वो बैठते हैं, लेकिन फिर भी इस चीज को आज इंडिया में इतना ज्यादा बढ़ावा नहीं है, तो इस चीज को चेंज थोड़ा होना चाहिए, इस चीज में बदलाव आना ही चाहिए कुछ आते कुछ सालों में। और यही मेरी उम्मीद है कि मैं मेरे पेंटिंग से थोड़ा बहुत इस चीज के लिए हेल्प कर पाऊं। जी, बहुत सारा अनुभव आपने साझा किया। अच्छा, नए स्टूडेंट्स व जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? काफी स्टूडेंट्स के साथ कन्वर्सेशन करने का मुझे मौका मिला इस कोविड के दौरान। तो तब मुझे ये महसूस हुआ कि स्टूडेंट्स बहुत घबराए हुए हैं इस फील्ड में आने के लिए। तो मैं यही एडवाइस देना चाहूंगी कि ये फील्ड जो है ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल फील्ड है। इस फील्ड में आपका आगे क्या होगा ये कम्प्लीटली आपके हाथ में है, और आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप अपने काम के लिए कितना कितना सच आप हो, आपके काम के लिए कितनी सच्चाई आपके काम में है, ये सब चीजें ये सब चीजों पे डिपेंड करता है कि आप इस फील्ड में कितने साल, कितने कैसे आप थ्राइव कर पाओगे इस फील्ड। तो मुझे सिर्फ यही कहना है कि अगर आप हर एक दिन आपके खुद के काम के लिए दे रहे हैं और 100% आपका जेन्युइनली सिंसियरली आप काम कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा आगे की सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप अगर पैसों के बारे में सोचोगे कि मैं इस फील्ड में आके कितने पैसे कमा पाऊंगा या पाऊंगी, तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। वो सब चीजें आपके काम में बहुत ही बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, क्योंकि आर्टिस्ट जो है उसका माइंड कंप्लीटली अपने काम और अपने कंसेप्ट्स और अपने ऑब्जर्वेशन लाइफ का करने में लगना चाहिए उसका माइंड। और अगर ये कमर्शियल और ऐसे आर्टिफिशियल चीजों के पीछे अगर आप भागोगे, तो आपका जो
आपकी एनर्जी जो काम करने में जानी चाहिए वो एक्चुअली ये सब चीजों में खर्च हो जाएगी। तो मेरा यही एडवाइस रहेगा कि आप कोई भी फील्ड में जाते हो तो आपको मेहनत करनी ही पड़ती है, तो वैसे ही इस फील्ड में आने के लिए आपको मेहनत चाहिए, कड़ी मेहनत चाहिए और हर एक दिन मेहनत चाहिए, तो कंसिस्टेंटली आप कहीं ना कहीं कुछ सालों में आपको रिजल्ट दिख ही जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीलिशा, आज की बातचीत उम्मीद है दर्शकों को बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं मन में वो उनको हमेशा से है ना करता रहता है, पिन करता रहता है कि हमारे फील्ड में आने वाले समय में क्या होना है, क्या होगा, ये ऑब्वियसली सभी के मन में होता ही है। तो उम्मीद है दर्शकों को इससे बहुत सारे आंसर्स मिल गए होंगे। और रही दूसरी बात, जो इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों से शेयर करें, जिन लोगों को पता नहीं है इस चैनल के बारे में उनसे ज़रूर साझा करें, और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको इस चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और एकेडमिक तौर पे जो एक स्टडी होती है स्टूडेंट लाइफ में, तो वो खूब भरसक प्रयास करना चाहिए उसके लिए, जितना हो सके उतनी मेहनत। वो आज आप देख रहे हैं नीलिशा जी के कामों में कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। बहुत सी चीज़ें ऐसी जो आप शायद फील्ड में जब आएंगे तो इस तरीके से इसको यूटिलाइज़ कर सकेंगे। तो इसी के साथ हम आज की बात को यहीं रोकते हैं, आने वाले समय में लाइव के ज़रिए नीलिशा जी के स्टूडियो में हम ज़रूर विज़िट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम प्रोग्राम को यहीं रोकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।